आपका स्वागत है सिटी टीवी 24 में। कृष्ण की पूजा से, सुख और रुक्मिणी की पूजा से मिलती है श्री अनूप महाराज, सुखवीर राठौर संवाददाता हरदोई, जिला फरुखाबाद के ग्राम रामपुर जिटोली में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के असलापुर धाम से पधारे कथावाचक अनूप ठाकुर महाराज ने भागवत श्री कृष्ण के रुक्मिणी की कथा सुनाई। रुक्मिणी विवाह प्रसंग शुरू होते ही मंगल गीत से माहौल गूंज उठा। आचार्य अनूप महाराज ने कहा कि रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार थीं और द्वापर युग में उस कृष्ण अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। इस दिन रुक्मिणी और कृष्ण की पूजा का विवाद है। श्री कृष्ण की पूजा से कुछ मिलता है और रुक्मिणी की पूजा संपत्ति प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में अधिक शिक्षित दूर करने के लिए रुक्मिणी देवी की पूजा करने की बात कही गई है। अनूप महाराज ने कहा कि रुक्मिणी के भाई उनका विवाह शिष्यपाल से कराना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पति रूप में देवी रुक्मिणी स्वामी कर स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन शिशुपाल से विवाह होने वाला था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण मंदिर से रुक्मिणी देवी का को रथ से द्वारिका लाए और विवाह किया। विवाह कथा के दौरान मंगल गीत गाए गए, जिसमें पंडित मौजूद भक्तगण झूमते नजर आए। तिचित राम प्रकाश सिंह, नारायण सिंह, मुन्ना सिंह, राजू सिंह, राम बाबू सिंह, रजनीश आदि हजारों संख्या